हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू करियर गोल्स। आई होप ऑल आर गुड। लेट्स स्टार्ट द क्लास गाइस। अभी जो हमारा मैराथन सेशन था वो हमारे फुल्ली कंप्लीट हो चुके हैं। 11th एंड 12th का मैराथन अब देन हम लोगों ने स्टार्ट किया है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जनवरी टू अगस्त करंट अफेयर। अभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जनवरी का करंट अफेयर्स चल रहा है। ओके, इसकी दो क्लासेस ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर किसी ने नहीं देखी है तो प्लीज़ आप वो जाके देख सकते हो दोनों क्लासेस को। ठीक है, 24 जनवरी के करंट अफेयर्स से वो ऑलरेडी वहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, दो क्लास ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है और आज ये थर्ड क्लास है। ओके, तो लेट स्टार्ट। फर्स्ट मैंने क्लास क्लास में अगर किसी ने क्लास नहीं अटेंड करी हो तो प्लीज आप क्लास जाके लास्ट क्लास देख लीजिएगा। यूट्यूब पे उसका एक अलग आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उस प्लेलिस्ट में ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है, आप वो देख सकते हैं इजीली। ठीक है, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको कोविड शील्ड एंड कोवैक्सीन के बारे में बताया था। ठीक है, तो उसी में थोड़ा पॉइंट रह गया था कोविड डेथ के बारे में। ठीक है, कोविड डेथ डेवलप्ड वायरसेस डेवलपिंग कंट्री। ठीक है, न्यूज़ क्या आई थी किस बारे में, ये मतलब मेन करंट अफेयर्स में आया। वेन क्या न्यूज़ प्रोड्यूस हुई, क्या न्यूज़ बनी जिसपे, एज पर द न्यू स्टडी के हिसाब से बेटर हाइजीन एंड सैनिटेशन इज अ रिच एंड डेवलप्ड कंट्री क्लाउड। ओके, वन रीजन ऑफ द हाई रेट ऑफ कोरोना वायरस रिलेटेड डेड। क्या एक रीजन था कोरोना वायरस की वजह से लोगों की इतनी डेथ होने का, वो एक रीजन था हाइजीन, हाइजीन हाइपोथेसिस। इस स्टडी के अकॉर्डिंग हम ये बोल सकते हैं अगर आपकी बेटर हाइजीन होगी, बेटर सैनिटेशन होंगे, तो इन द रिच एंड डेवलप कंट्री कुल पैराडोमिक्री। ठीक है, और एक रीजन हाई रेट ऑफ कोरोना वायरस की डेथ का क्या था, आपकी हाइजीन। कुछ कीवर्ड हैं, कुछ स्टडीज हैं। स्टडी बेस्ड है ऑन द एनालिसिस ऑफ डेटा जो कब तक का है, 29 जून 2020 तक का ये डेटा पे एनालिसिस हुआ था, बाय विच टाइम मोर देन 5 लाख पीपल्स डेथ। एस टाइम तक कम से कम 50 लाख लोगों की डेथ हो चुकी थी एंड हैड बीन रिपोर्टेड विद 70% ऑफ इट इन ए हाई इनकम कंट्रीज। इट द कोरिलेटेड कोरोना वायरस डेथ इज ए सेवरल कंट्री विद इंडिकेटर लाइक ए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, पॉपुलेशन की डेंसिटी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, रेटिंग, डेमोग्राफी, सैनिटेशन, हाइजीन एंड ऑटो इम्यून सिस्टम। तो इसमें मेन डेथ की कितना परसेंटेज डेथ हुआ, जो स्टडी की गई, जो डेटा था एनालाइज किया गया डेटा को, वो था 29 जून 2020 तक का, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 20 लाख पीपल्स की डेथ हो चुकी थी। फाइंडिंग केस ऑफ द डेवलप कंट्री। ठीक है, Among the country with the highest rate of death per million of the population are the Belgium, Italy, Spain. ये वो कंट्री है जहाँ पे सबसे ज्यादा डेथ हुई थी, सबसे ज्यादा डेथ इन कंट्रीज में हुई थी, वेयर मोर देन कितने 1200 से ज्यादा हैव डाइड पर मिलियन। ओके, एंड द यूएस एंड यूके हैव मोर देन 1000 डेथ पर मिलियन ऑफ द पॉपुलेशन। 1200 पर डाई हुए पर मिलियन, किसमें, इटली बोल सकते हो आप, इटली में, स्पेन में, और यूएस एंड यूके के अंदर मोर देन द 1000 डेथ पर मिलियन ऑफ द पॉपुलेशन। कोविड के वजह से, इस कोरोना वायरस की वजह से इतनी सारी डेथ फाइंड आउट की थी। और गाइस आई एम डैम श्योर कि ये जो डेटा आता है वो उतना ही डेटा आता है जितना दिया जाता है, बट कोई कोई डेथ ऐसी होती है, कितनी परसेंटेज ऑफ डेथ होती है, ये वो डेटा होता है जो भाई जो पेशेंट जो है हॉस्पिटल में जिनकी डेथ हुई,
या वो लोग जो रजिस्टर हुए जब शमशान घाट जाते हैं तो रजिस्ट्रेशन हुआ। कुछ कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो मर गया, किसी को पता भी नहीं चला, जिनकी कोई खोज खबर ही नहीं है, उनका किसी को कुछ आइडिया ही नहीं है। ओके गाइस, तो उन टाइप की भी डेथ जो है वो तो इंक्लूड ही नहीं है इसमें। ऐसे बहुत डेथ थी। इंडिया स्पेसिफिक फाइंडिंग, इंडिया हैज बीन जस्ट अबाउट द 1/10 डेथ पर मिलियन, लेस देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड एवरेज। जो वर्ल्ड एवरेज है उसका जस्ट हाफ बोल सकते हो आप, ठीक है, ऑफ अबाउट द 233। मोस्ट अदर साउथ एशिया कंट्रीज और ऑल्सो इन द रेस्ट ऑफ एशिया एंड अफ्रीका हैव मच और लोअर डेथ रेट, इनका और लोअर डेथ रेट था। बट सबसे ज्यादा डेथ रेट का था इटली एंड स्पेन में, बहुत ज्यादा डेथ रेट था। एंड द पैराडॉक्स, जो लोअर इनकम कंट्रीज हैं विद ए हायर पॉपुलेशन डेंसिटी एंड मच मोर सैनिटेशन स्टैंडर्ड सीम टू हैव रिकॉर्डेड मच फ्यूअर। क्लियर? कोरोना वायरस के वजह से, कोरोना वायरस के रिलेटेड इतनी डेथ कंपेयर करी गई हर डेवलप्ड कंट्री में, हर रिच कंट्री में, हर जगह एक्सट्रीम लेवल में डेथ्स हुई। तो कंट्री जैसे जापान हुआ, फाइनलैंड हुआ, नॉर्वे हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड वेरी लो डेथ रेट। इनमें क्या था, बहुत कम डेथ रेट था। कुछ अदर फैक्टर इन्वॉल्व थे लाइक स्टेज ऑफ एपिडेमिक, ठीक है, लोअर रिपोर्टिंग एंड टेस्टिंग। अगर आप टेस्ट ही कम करोगे, आप रिपोर्टिंग ही कम करोगे, तो ऑब्वियसली आपको क्या ही पता चलेगा कि आपकी एरिया में या उस एरी कंट्री में या कहीं भी जगह कितने केसेस ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो लोअर रिपोर्टिंग, लोअर टेस्टिंग इन ए लेस डेवलप्ड कंट्री दैट कुड ऑल्सो अफेक्ट द मोर्टेलिटी नंबर। किस चीज को अफेक्ट करते हैं, वो अफेक्ट हुआ किस पे, मोर्टेलिटी नंबर पे। ओके, लोअर रिपोर्टिंग टिश्यू, वो रिपोर्टिंग टेस्टिंग, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। एंड इट फाउंड दैट द हाइजीन हाइपोथेसिस, एंड इट्स फाउंड दैट हाइजीन हाइपोथेसिस कुड बी वन ऑफ द रीजन फॉर द सीन। ठीक है, अब हाइजीन हाइपोथेसिस मैं गाइस 2 to 3 बार बोल चुकी हूँ, हाइजीन हाइपोथेसिस, हाइजीन हाइपोथेसिस। तो हाइजीन हाइपोथेसिस है क्या? अकॉर्डिंग टू द हाइजीन हाइपोथेसिस, हाइजीन हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग पीपल इन कंट्री विद ए लो सैनिटेशन स्टैंडर्ड गेट एक्सपोज टू द कम्युनिकेबल डिजीज। वो डिजीज जो हमें कम्युनिकेबल डिजीजेस होती है उनसे आप एक्सपोज हो जाओ, मतलब उनसे आप किसी तरह से इंट्रैक्ट हो जाओ। आपका जो है उस कंट्रीज का क्या है, लो सैनिटेशन स्टैंडर्ड है, ठीक है, आप इजीली जो है किसी भी डिजीज से, कम्युनिकेबल डिजीज से अट्रैक्ट हो रहे हो, एक्सपोज हो रहे हो एट एन अर्ली एज, स्टार्टिंग की अर्ली एज में, एंड डेवलप स्ट्रॉन्गर इम्यूनिटी, अपनी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और एक अच्छी एज में। एक अच्छी एज में, एक हमारी अर्ली एज में, और एक डेवलप, उससे क्या होता है, डेवलप हो हमारी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी, हेल्पिंग दैम टू द वार्ड ऑफ डिजीज लेटर इन देयर लाइफ। एंड इस फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्यून ट्रेनिंग। ओके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्यून ट्रेनिंग। पीपल जो अच्छी खासी कंट्री में हैं, जो रिच कंट्री में, हैव ए बेटर एक्सेस टू हेल्थ केयर एंड द वैक्सीन, उनके पास एक बेटर एक्सेस है हेल्थ केयर का, वैक्सीन का, एंड थिंग क्लीन द क्लीन ड्रिंक वाटर, जिससे वो एक साफ सुथरा पानी पी सकते हैं। ड्यू टू देम विच दे रिमेन सेफर फ्रॉम द सच इन्फेक्शन डिजीज, जिससे क्या है वो बच सकते हैं कुछ इन्फेक्शन डिजीज से, वो बच सकते हैं। ठीक है,
दिस ऑल्सो मीन्स देयर इम्यून सिस्टम रिमेन्स एन एक्सपोज टू द सच डेंजर. दिस हाइपोथेसिस ऑल्सो समटाइम यूज टू एक्सप्लेन द प्रिवलेंस ऑफ ऑटो इम्यून डिजीजेज इन विच द इम्यून सिस्टम समटाइम ओवर रिएक्ट. इस टाइम पे इम्यून सिस्टम क्या कुछ ज़्यादा ओवर रिएक्ट करता है और स्टार्ट करता है अटैक करना किसी बॉडी पे, बॉडी अटैकिंग द बॉडी ओन सेल लीडिंग टू डिसऑर्डर लाइक लाइक टाइप 1 डायबिटिक और द मल्टीपल दिस. ठीक है, हाउएवर आई सजेस्ट दैट इट वुड बी बेटर इफ द हाइपोथेसिस वर रिन्यूड. एग्जाम्पल के लिए आप कैसे कह सकते हैं, माइक्रोबियल जितना भी आपका माइक्रोबियल एक्सपोजर होता है, माइक्रोबियल हाइपोथेसिस है या माइक्रोबियल डिप्रीवेशन हाइपोथेसिस है, अवॉइड द टर्म हाइजीन. आप इस टर्म को अवॉइड कर सकते हैं और आप हेल्प कर सकते हैं, आप फोकस अटेंशन ले सकते हैं ऑन डिटर्मिनिंग द ट्रू इम्पैक्ट ऑफ द बॉडी माइक्रो एंड वाइल मिनिमाइजिंग रिस्क ऑफ द डिस्करेजिंग गुड हाइजीन प्रैक्टिस. क्लियर? अब नेक्स्ट हम लोग कंप्लीट करेंगे ट्रांस फैटी बॉडीज एंड पूरा ट्रांस फैटी बॉडीज पे आज हमारी क्लास चलेगी. तो ट्रांस फैटी बॉडीज है क्या, न्यूज में क्यों आया, ऐसा क्या नीड पड़ गई इसके न्यूज में आने की, और इसी न्यूज तो आने ही, चलो ठीक है ओके, बट ऐसा भी क्या हुआ कि करंट अफेयर्स में आया. तो वाई इन द न्यूज, न्यूज में क्यों है कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI ने हैज कैप द अमाउंट ऑफ ट्रांस फैटी बॉडीज इन द ऑयल एंड ए फैट टू बी द 3%. ठीक है, एंड फॉर द 2021 में वो 3% था एंड 2022 में वो 2% रह गया, और करंट प्रीमाइसेस में लिमिटेड 5% हो गया है. ठीक है, तो ये रेगुलेशन के हिसाब से चल रहा है, बट ये जो है इसको प्रोहिबिट करना है और रिस्ट्रिक्शन करना है ऑन द सेल पे. द रेगुलेशन डील विद द prohibitions and the restrictions on the sale of the various food product like ingredients क्या हैं, क्या क्या चीज़ें हैं. तो मेन बात यह है कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने FSSAI ने कहा कि जो अमाउंट है ट्रेस फैटी बॉडीज का वो ऑयल के अंदर, फैट के अंदर बहुत ज़्यादा है. वो 3% था फॉर 2021 में एंड 2% बाय द 2022 एंड फॉर द करंट परमिसिबल लिमिट्स क्या है वो 5% है. ठीक है, तो मेन कीवर्ड्स क्या है, मेन बात क्या चल रही है, मेन प्रॉब्लम क्या है. द रिवाइज रेगुलेशन एम्प्लाइज टू द ईडेबल, जैसे कोई ऑयल हो गया या बासमती हो गया. ठीक है, किसी भी चीज का हम, जो चीज को हम ले रहे हैं, द रिवाइज रेगुलेशन अप्लाई टू द ईटेबल रिफाइंड ऑयल लाइक ए बासमती, जो पार्शली क्या है हाइड्रोजनेटेड ऑयल है, बेकरी शॉर्टनिंग हो गया और कुछ अदर आइटम हो गए जो कुकिंग के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे ईटेबल फैट स्प्रेड या मिक्सड फैट स्प्रेड जो होते हैं. एज पर द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के अकॉर्डिंगली अप्रोक्सीमेटली 5.4 लाख जो है वो डेथ होती हैं पूरे ईयरली में, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर या आपकी बॉडी जो है इतना ज़्यादा ट्रांस फैटी एसिड्स को कंटेन करती है.
Approximately 5.4 lakh death takes place each year globally because intake of industrially produced trans fatty acid. हमारी बॉडी जो है वो इतना ज़्यादा फैटी ट्रांस फैटी एसिड इंटेक करती है इंडस्ट्रियली जो प्रोड्यूस फ्रांट ऐसी बॉडी ट्रांस फैटी एसिड है उसको इंटेक करती है, जिस वजह से ग्लोबली हमारे 5.4 लाख डेथ होती है। तो जो FSSAI ने रूल बनाया एट द टाइम ऑफ ए पैंडेमिक के टाइम पर उन्होंने क्या रूल बनाया, ए द बर्डन ऑफ ए नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैज अराइज। अभी यहाँ पे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो ट्रांस फैट का जो कंजप्शन है वो इज ए सफिशियंट रिस्क फैक्टर फॉर कार्डियोवास्कुलर डिजीजें। ट्रांसफैट का जो कंजप्शन है वो किस चीज़ का रिस्क है, वो रिस्क है गाइस फैक्टर है किस रिस्क है, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज का। कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज अकाउंट फॉर द मोस्ट एमसीआर डिजीजेज। प्रीवियसली इट वॉज द 2011 में जो फर्स्ट इंडिया पास ए रेगुलेशन, उन्होंने फर्स्टली जो रेगुलेशन पास किया था उन्होंने सेट किया था TFA की लिमिट ऑफ 10% इन ऑयल एंड फैट एंड फर्दर वाज ए रिड्यूस 5% इन 2015। मतलब आप समझ सकते हैं मैं किसकी बात कर रही हूँ, ट्रांस फैटी एसिड की जो लिमिट डाली गई थी 2011 में वो लिमिट थी 10% ऑयल एंड फैट्स में, बट फर्दर वो रिड्यूस करके 5% कर दी गई कब, 2015 में। अब ट्रांसफैट है क्या, ट्रांसफैट चीज होती क्या है, ट्रांसफैट है गाइस, ट्रांसफैट इज ए ट्रांसफैटी एसिड और ट्रांसफैट आर द मोस्ट हार्मफुल टाइप ऑफ फैट। ट्रांसफैटी एसिड और ट्रांसफैट जो होता है वो जो है वो बहुत ज्यादा क्या है हार्मफुल है, किस टाइप का हार्मफुल टाइप का फैट है, विच हैव द मच मोर एडवर्स इफेक्ट ठीक है गाइस, सॉरी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट था इस वजह से मुझे बीच में करना पड़ा। तो ट्रांस फैटी एसिड और ट्रांस फैट जो है ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, एक हार्मफुल टाइप का फैट है जो हमारी बॉडी को एक एडवर्स इफेक्ट प्रोवाइड कर देते हैं और बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट हमारी बॉडी को देते हैं एंड अनदर डाइट्री कॉन्स्टिट्यूएंट। ये फैट जो होते हैं वो लार्जली प्रोड्यूस होते हैं आर्टिफिशियली बट स्मॉल अमाउंट ऑल्सो अकर नेचुरली। Thus in our diet, these may be present as a artificial TRFS मतलब trans fat and other natural trans fats. Artificial जो है artificial TFRS जो होता है वो formed होता है जब hydrogen जो होती है वो react करती है किसी oil के साथ और produce करती है कुछ fats को resembling pure ghee and a butter. Okay. ऐसी हमारी डाइट के अंदर मेजर सोर्स किसका होता है, आर्टिफिशियल ट्रांस फैट्स का होता है, वो पार्शियली हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल्स ऑयल है, ऑयल है लाइक वनस्पति हो गया, ठीक है, ये क्या एक आर्टिफिशियल हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स है। जो नेचुरल ट्रांस फैट है वो प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, मीट के अंदर, डाइटरी प्रोडक्ट्स के अंदर, कुछ ही छोटे अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं बट वो उसमें प्रेजेंट होते हैं। यूजेस क्या है, यूजेज हैं ट्रांसफैट एसिड के, ट्रांस फैटी एसिड के कंटेनिंग ऑयल कैन बी प्रिजर्व लॉन्गर एंड दे गिव द फूड द डिजायर शेप एंड टेक्सचर एंड कैन इजीली सब्सटीट्यूट प्योर घी एंड दी आर कॉम्प्लीमेंट्री फार लोअर इन द कॉस्ट एंड दस एडेड टू द प्रॉफिट सेविंग।
ठीक है। और हार्मफुल इफेक्ट्स क्या दे रहे हैं, हार्मफुल इफेक्ट की वजह से हार्ट रेट, हार्ट डिजीज इंक्रीज होती है, ठीक है, रिस्क ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, बीमारियों का रिस्क ज़्यादा बढ़ रहा है। और जो भी सेचुरेटेड फैट हैं वो रेज कर रहे हैं टोटल कोलेस्ट्रॉल लिवर को। तो जो भी ये आपका TFAS है, नॉट ओनली द रेज द टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल बट ऑल्सो रिड्यूस द गुड कोलेस्ट्रॉल। ऐसा नहीं है ये खाली कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ा रहे हैं, ये क्या है, गुड कोलेस्ट्रॉल को भी रिड्यूस कर रहे हैं, विच हेल्प टू प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट द हार्ट डिजीज। ठीक है, एसोसिएट किसके साथ है, एंड देन हाई रिस्क डेवलप हो जाता है किस टाइप का, ओबेसिटी, ठीक है, टू टाइप की डायबिटीज हो जाती है, डायबिटिक इश्यूज हो जाते हैं, मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्रिएट हो जाता है, इंसुलिन जो होता है इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाता है, इनफर्टिलिटी हो जाता है, कुछ टाइप का कैंसर, टेन टाइप ऑफ कैंसर, एंड कैन ऑल्सो लेड टू द कॉम्प्रोमाइज फीटल डेवलपमेंट कॉजिंग हार्म टू या टू द बॉर्न द बेबी, ठीक है। दूसरा मेटाबॉलिक सिंड्रोम इंक्लूड हो जाते हैं, लाइक हाई ब्लड प्रेशर होना, हाई ब्लड शुगर होना, एक्सेसिव फैट फाउंड होना आपकी बॉडी के अंदर अराउंड द वेस्ट, एबनॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल का इंक्रीज होना, एंड द सिंड्रोम इंक्रीज द पीपल रिस्क ऑफ द हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक। और इससे क्या होता है, जो भी पर्सन है उसको ये सारी प्रॉब्लम्स है तो उसको क्या होगा, हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक का जो सिंड्रोम्स हैं वो ईजिली हो सकते हैं। तो क्या इफेक्ट डालते हैं, अगर आप रिड्यूस कर दें इसके इंटेक्ट को, इंटेक को अगर आप रिड्यूस कर देते हैं, तो FSSAI ने लॉन्च किया था ट्रांस फैट फ्री फॉर द वॉलंटरी लेबलिंग टू प्रमोट द TFA फ्री प्रोडक्ट। उन्होंने लेबल किया था उसको, यूज हुआ बाय द बेकरी, लोकल फूड आउटलेट एंड द शॉप फ्रॉम द प्रिपरेशन कंटेनिंग ए TF नॉट एक्सक्लूडिंग, ठीक है। FSSAI ने लॉन्च किया एक फ्यू मास इंडिया कैंपेन जिसमें उन्होंने अर्थ हार्ट अटैक को डिफाइन किया और अल्टीमेट इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस ट्रांसफैट इन द सप्लाई बाय द देश। ये 2022 में हार्ट अटैक रिवाइंड एंड फॉलो अप अर्लियर कैंपेन कॉल्ड ईट फ्राइट एंड विच इज लॉन्च इन द जुलाई 2018। कब जो लॉन्च हुआ था, 2018 में इसको लॉन्च किया गया था। ईटेबल इंडस्ट्रीज जो होती है जितनी भी, उनके प्लेज, उन्होंने एक प्लेज ली थी कि वो रिड्यूस करेंगे अपने सॉल्ट का लेवल, शुगर का लेवल एंड सैचुरेटेड फैट एंड ट्रांस फैट का कंटेंट जो रिड्यूस करेंगे बाय द 2% बाय द 2022, ओके। एंड स्वस्थ भारत यात्रा इनिशिएट द स्टार्टेड अंडर द ईट राइट, सही खाने का उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया था, कैंपेन किया था फ्रॉम द पैन इंडिया टू इंक्रीज द सिटीजन ऑन द इशू ऑफ द फूड सेफ्टी एंड फूड दिस एंड द हेल्दी डाइट। तो ग्लोबली एक लॉन्च हुआ है, रिप्लेस किया गया कैंपेन को 2018 में फॉर द ग्लोबल लेवल एलिमिनेशन ऑफ द ट्रांस फैट इन इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस ईटेबल ऑयल बाय द 2023। नेक्स्ट एक टेक्नोलॉजी आई थी लिथियम आयन टेक्नोलॉजी, अबाउट द लिथियम आयन बैटरीज क्या होती है, लिथियम आयन बैटरीज की एप्लीकेशन एंड पोटेंशियली रिलेटिवली टू लिथियम आयन टेक्नोलॉजी, ठीक है गाइज, हम यही कवर अप करेंगे आज की क्लास में। लिथियम आयन टेक्नोलॉजी क्यों लॉन्च हुई, क्यों न्यूज में आई, क्यों आपके
आप पढ़ रहे हैं, इंडिया में न्यूली फ्लोटेड स्टेट ओन्ड हुए कंपनी, ठीक है, जिन्होंने क्या किया, इन्होंने वर्क स्टार्ट किया किसके ऊपर, लिथियम के ऊपर, ठीक है। ए कंट्री दैट हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ द लिथियम इन द वर्ल्ड। इंडिया लिमिटेड ने इनकॉर्पोरेट किया था इसको अगस्त 2019 में बाय द थ्री स्टार्टेड ओन्ड कंपनी, ठीक है, हिंदुस्तान कॉपर एंड द मिनरल, विद ए स्पेसिफिक टू एक्वायर स्ट्रेटेजिक मिनरल एसेट्स जैसे लिथियम एंड कोबाल्ट अवार्ड। हमने लर्न किया एक्सपोजिंग ऑप्शंस इन दिस एंड टू और अदर टॉप लिथियम प्रोड्यूसिंग कंट्री। लिथियम क्या है, इज अ क्रूशियल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द लिथियम आयन रिचार्जेबल बैटरी दैट पावर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, लैपटॉप एंड मोबाइल फोन। करंटली इंडिया क्या हैवीली डिपेंडेंट है ऑन इम्पोर्ट ऑफ देयर सेल्स एंड द मूव टू इंक सोर्सिंग पैक्ट फॉर लिथियम एंड आर ऑल्सो सीन एज ए मूव टू रिड्यूस इज डिपेंडेंसी ऑन द चाइना विच इज ए की सोर्स ऑफ द बोथ द रॉ मटेरियल एंड द सेल। इंडिया इज सीन एज ए लेटर मोर एज इट अटेम्प्ट टू एंटर द लिथियम चेन वैल्यू चेन कमिंग एट द टाइम वेन द इलेक्ट्रिकल व्हीकल आर प्रिडिक्टेड टू द सेक्टर राइट फ्रॉम दिस। अबाउट द लिथियम आयन बैटरीज क्या है, लिथियम आयन बैटरीज और लिथियम बैटरीज LiOn Li आयन बैटरी इज अ टाइप ऑफ ए रिचार्जेबल बैटरी। क्या है, टाइप है रिचार्जेबल बैटरी का। इस लिथियम आयन बैटरीज यूज इन द इंटरकलेटेड, ठीक है, इंटरकलेटेड लिथियम कंपाउंड्स एज वन इलेक्ट्रोड मटेरियल कंपेयर टू द लिथियम मेटेलिक लिथियम यू यूज इन द नॉन रिचार्जेबल लिथियम बैटरी। द बैटरी कंसिस्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स विच अलाउ फॉर द आइकॉनिक मूवमेंट एंड द टू इलेक्ट्रोड्स आर द कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट ऑफ ए लिथियम आयन बैटरी सेल एंड लिथियम आयन मोर देन द नेगेटिव इलेक्ट्रोड टू द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग डिस्चार्ज एंड द पैक व्हेन द चार्जिंग। एंड लिथियम आयन बैटरीज की क्या एप्लीकेशंस है, पहली बात कि एक तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, टेली कम्युनिकेशन है, एयरस्पेस में यूज होते हैं, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में यूज होते हैं। लिथियम आयन बैटरी टेक्नोलॉजी जो हैज मेड इट द फेवरेट पावर सोर्स फॉर द इलेक्ट्रिकल एंड हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। डिसएडवांटेज क्या है, बहुत लंबो लॉन्ग चार्जिंग टाइम चाहिए, वीक एनर्जी डेंसिटी है, सेफ्टी इशूज हैं, ओके, एंड सेफ्टी इशूज इंसिडेंट ऑफ द बैटरीज कैचिंग फायर व्हेन हैज बीन द एक्सपेंसिव टू द मैन्युफैक्चर। और जितनी भी लिथियम आयन बैटरीज हैं वो हमने देखी है कि वो सफिशिएंटली इफेक्टिव है फॉर द एप्लीकेशन लाइक फोन लैपटॉप के लिए। इन द केस ऑफ EVC दीज सेल्स स्टिल लैक द रेंज दैट वुड मेक दैम ए वेरिएबल अल्टरनेटिव टू द इंटरनल कंबशन इंजन। पोटेंशियल अल्टरनेटिवली टू लिथियम आयन टेक्नोलॉजी, ग्रेफाइट बैटरी में बी द इम्पॉर्टेंट अल्टरनेटिव टू द लिथियम आयन बैटरीज विद द लेटर हैविंग द लिमिटेशन ड्यू टू द फ्रीक्वेंसी विद ईच लिथियम रिक्वायर चार्जिंग। हर एक लिथियम को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, चार्जिंग की रिक्वायरमेंट है। फ्लोराइड बैटरीज क्या है, फ्लोराइड बैटरी हैव द पोटेंशियल टू लास्ट 8 times लॉन्गर देन द लिथियम बैटरी। नेक्स्ट इज द सैंड बैटरी, दिस इज द अल्टरनेटिव टाइप ऑफ लिथियम आयन बैटरी। ये एक अल्टरनेटिव टाइप है लिथियम आयन बैटरी का, जिसमें सिलिकॉन को हम यूज करते हैं अचीव करने के लिए और बेटर परफॉर्मेंस के लिए देन द करंट ग्रेफाइट लिथियम आयन बैटरी से। और ये बैटरी जो है स्टिल लिथियम आयन लाइक द वन फाउंड इन द स्मार्टफोन, किसमें फाउंड होगी, स्मार्टफोन में, एंड बट इट यूज इसलिए कॉन्स्टेंट ऑफ द ग्रेफाइट इन द नोड्स। अमोनिया पावर्ड बैटरीज मे बी नॉट कमिंग एनी टाइम सून बट द केमिकल कमिंग कॉमनली नोन एज द हाउस होल्ड क्लीनर इज स्टिल एन इज ए अल्टरनेटिव टू द लिथियम इन द वे इट कैन ए पावर फ्यूल सेल इन व्हीकल्स एंड अदर इक्विपमेंट। इन द साइंटिफिकली कैन फिगर आउट ए वे टू प्रोड्यूस ए अमोनिया विदाउट क्रिएटिंग द ग्रीन हाउस गैस इमर्शन दैट रिजल्ट राइट नाउ एंड दे कैन बी शिप्ड।
लिथियम सल्फर बैटरी जो होती है वो रिसर्चर जो भी ऑस्ट्रेलिया के रिसर्चर होने से बोला दे हैव डेवलप द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल रिचार्जेबल बैटरी। ये सबसे ज़्यादा पावरफुल है रिचार्जेबल बैटरी है यूजिंग द लिथियम सल्फर, अगर आप लिथियम सल्फर को यूज़ करते हैं। एंड सेट टू परफॉर्म 4 टाइम बेटर देन द स्ट्रॉन्गर बैटरी, और ज़्यादा 4 टाइम बेटर परफॉर्म करेगी ठीक है बाकी सब बैटरीज है। वर्टिकली अलाइन कार्बन नैनो ट्यूब इलेक्ट्रॉन, दीज आर द गुड कैंडिडेट फॉर द लिथियम आयन बैटरी इलेक्ट्रॉन विच रिक्वायर ए हाई रेट कैपेबिलिटी एंड द कैपेसिटी। सॉलिड स्टेट बैटरी क्या है, इट इज़ यूज टू अल्टरनेटिवली टू द एक्वस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन एंड द इनोवेशन दैट कुड बी लोअर द रिस्क ऑफ द फायर। शेप भी इंक्रीज कर देती है एनर्जी डेंसिटी को और पोटेंशियली टेक ओनली द 10 मिनट टू चार्ज। दीज सेल्स कैन एक्सटेंड द ड्राइव डिस्टेंस ऑफ द कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिकल व्हीकल वाइल मेंटेनिंग द लेग रूम एंड क्वांटम लीप इन द बैटरी टैक। तो गाइस ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया आपका पूरा, आई थिंक आप लोगों को सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। आई थिंक चीज़ें क्लियर होंगी। हमने क्या पढ़ा है, कोविड के बारे में हमने पढ़ा है ठीक है, एंड हमने फैटी एसिड्स के बारे में पढ़ा है, एंड देन लिथियम आयन बैटरीज के बारे में आज हमने कुछ चीज़ें क्लियर करी ठीक है। तो उसमें हमने सैंड बैटरीज हुआ ये सब क्लियर करी, और उससे हमें पता चला कि कौन सी बैटरी जो है वो ज़्यादा अच्छी है या ज़्यादा कैपेबल है। क्लियर गाइस, आई होप ऑल ऑल स्टूडेंट्स आर गुड, ऑल स्टूडेंट्स आर वेल। प्लीज़ गाइस घर पे रहिए, पढ़ाई करिए, मजे करिए, लेकिन पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करिए। और अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप करिए, और अगर कुछ ऐसी चीज़ें जो आप कहना चाहते हैं जो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप करके एक बार मेरे से पूछ सकते हैं। एंड आई थिंक आज के पॉइंट सारे क्लियर होंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम है, अगर पुराना कुछ देखना है तो प्लीज़ आप पुरानी वीडियोज़ को जाके चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, बाय एंड टेक केयर।